भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्रीहरि लक्ष्मी नारायण जी का, भगवान धन्वंतरि का, माता महालक्ष्मी एवं कुबेर भगवान का तथा यमराज का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है। प्रदोष व्यापिनी जो त्रयोदशी होती है उसी दिन धनतेरस मनाई जाती है तथा इस दिन नई वस्तु की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी प्रकार धनतेरस के दिन आयुर्वेद के जो अधिष्ठाता देवता है भगवान धन्वंतरि, उनका विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। विशेष करके हॉस्पिटल में, चिकित्सालय में, मेडिकल स्टोर में भगवान धन्वंतरि का इस दिन विशेष पूजन अर्चन होता है और माता महालक्ष्मी कुबेर भगवान का भी इस दिन पूजन अर्चन होता है तथा यमराज की प्रसन्नता के लिए शाम के समय सूर्यास्त के बाद यम दीपदान का भी आयोजन किया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, यमराज की कृपा बनी रहती है। क्योंकि धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन के माध्यम से प्रकट हुए थे, तो इस दिन बर्तन खरीदने की या नई वस्तु खरीदारी की विशेष परंपरा कई दिनों से चली आ रही है। तो आप सभी धनतेरस के दिन प्रातः काल जल्दी उठ करके अपने घर की साफ सफाई करें और मुख्य द्वार पर आपको गंगा जल छिड़क करके, या कच्ची जमीन है तो गोबर से लीप करके या गोमूत्र छिड़क करके और रंगोली बनाना चाहिए तथा प्रातः काल की वेला में जब सूर्योदय होता है उस समय मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य लगाएं। आम के पत्तों की बंदरवार अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको बांधना चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन से दीपावली महापर्व का, पंच दिवसीय दीपोत्सव महापर्व का शंखनाद होता है। इसलिए इसी दिन से अपने घर को साफ सुथरा बना करके घर में रोशनी करें और घर में जो भी कूड़ा करकट हो, गंदगी हो, उसको घर से बाहर निकाल देवे। पूरे घर को व्यवस्थित सुंदर आपको बना लेना चाहिए और धनतेरस के दिन घर का जो वातावरण है उसको प्रफुल्लित और प्रसन्नता पूर्वक आपको निर्मित करके रखना चाहिए। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार की सुबह 10:31 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 30 अक्टूबर 2024 बुधवार को दोपहर 1:15 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में प्रदोष व्यापिनी, रात्रि व्यापिनी जो त्रयोदशी तिथि रहेगी, धनतेरस रहेगी, वो 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों को धनतेरस का महापर्व 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन ही मनाना चाहिए। धनतेरस की पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त रहता है वो शाम के समय प्रदोष वेला विशेष रूप से माना गया है, तो 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन धनतेरस की पूजा करने का जो सर्वोत्तम समय रहेगा वो शाम को 6:31 से लेकर के रात को 8:13 तक का रहेगा। हालांकि यमराज का जो दीपदान है वो तो आप पूरी रात कभी भी कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि जिस प्रकार दीपावली का महापर्व मनाया जाता है उसी प्रकार धनतेरस का जो पर्व होता है वो भी बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर और घर के सभी स्थानों पर दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए। आप शुद्ध घी का दीपक लगा सकते हैं या तिल के तेल का भी दीपक लगाना सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा सरसों के तेल का भी इस दिन प्रयोग किया जाता है। वैसे धनतेरस की पूजा के लिए जो प्रदोष काल का जो समय रहेगा
वो शाम को 1 घंटा 42 मिनट का रहेगा। प्रदोष काल में पूजा विशेष रूप से मानी गई है और इस समय यदि आप पूजा करेंगे तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का आगमन होगा और माता महालक्ष्मी का, भगवान कुबेर का भी शाम के समय आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। धनतेरस पूजा के लिए प्रदोष काल सबसे सर्वोत्तम माना गया है। धनतेरस के दिन पूजा के स्थान पर माता महालक्ष्मी, कुबेर भगवान, गणेश जी की स्थापना करें। एक पीला कपड़ा लेकर के चौकी के ऊपर उसको बिछा करके मध्य में लक्ष्मी, कुबेर और भगवान गणेश जी की स्थापना करें। उनके दाहिने ओर एक कलश की स्थापना करें तथा सभी देवताओं को गंध, अक्षत, पुष्प, रोली, मोली, सुपारी, मिठाई, फल, फूल आदि वस्तुएं अर्पण करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं। पूजा के दौरान एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य रखें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और माता महालक्ष्मी की यदि चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं तो पाठ करें और धनतेरस की कथा का श्रवण करें, आरती करें। इस दिन शाम के समय घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ यमराज के निमित्त दीपक अवश्य लगाना चाहिए। धनतेरस पूजा को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी इस दिन अवतरित हुए हैं, इसी कारण इसी दिन को धनतेरस कहा गया है। समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के निकले थे, इसलिए इस दिन धातु के बर्तन खरीदने की विशेष परंपरा है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है, उस दिन जो मनुष्य भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा अर्चना करता है उसके घर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं आता है, कष्ट नहीं आता है, संकट नहीं आता है। साथ ही यमराज की प्रसन्नता के लिए, मृत्यु के अधिष्ठाता देवता यम देव की प्रसन्नता के लिए यमराज के लिए दीप दान भी करना चाहिए। वैसे तो यमराज का जो दीप दान है वो आप पूरी रात कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यम दीप दान का जो सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा वो शाम को 5:38 से लेकर के रात को 9:38 तक का रहेगा। धनतेरस के दिन सुबह साफ सफाई के बाद सूर्योदय से पूर्व स्नान करके स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करें। अपने घर में रंगोली बनाएं, अपने कार्यस्थल, दुकान की साफ सफाई करें, बंदरवान बांधे, लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह यानी पद चिन्ह की आकृति लगाएं। भगवान धन्वंतरी को कृष्णा तुलसी, गाय का दूध और उससे बने मक्खन का भोग लगाना चाहिए। पीतल, चांदी, तांबा, सोना या अन्य धातु की खरीदारी यदि आप समर्थवान हैं तो अवश्य करें और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। कुमकुम, हल्दी, अक्षत, भोग अर्पित करें। उत्तर दिशा में देवताओं की पूजा करें और शुभ मुहूर्त में खरीदारी करें। जो भी खरीदे उसे पहले धनतेरस की पूजा में मां लक्ष्मी को अर्पण करें, उसके बाद ही उसका उपयोग करना चाहिए। शाम के समय आटे का चौमुखी दीपक बना करके उसमें सरसों या तिल का तेल डाल करके घर के बाहर दक्षिण दिशा या घर की जो दहलीज होती है उसके पास में गेहूं या चावल रख करके उसके ऊपर दीपक स्थापित करना चाहिए। आटे का दीपक 4 बत्तियों वाला, इसमें आप रूई की बत्ती ले सकते हैं, कलावा की बत्ती ले सकते हैं, कॉटन की बत्ती आप डाल करके उसमें सरसों का तेल डाल करके और चारों मुंह उसके जला करके दीपक को प्रज्वलित कर देवे और यमराज से प्रार्थना करें कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं हो, आप सदैव प्रसन्न रहना और घर परिवार के सभी सदस्यों को आप प्रसन्न रखना। धनतेरस के दिन यदि यम के निमित्त कोई भी दीपक दान करता है तो ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। ये दीपक घर के बाहर दक्षिण दिशा में ही आपको लगाना चाहिए तथा धन्वंतरी भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः और कुबेर भगवान की प्रसन्नता के लिए ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय
धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देही दापय। धनतेरस के अवसर पर सोना चांदी पीतल आभूषण नए बर्तन नए कपड़े धनिया और झाड़ू खरीदना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन काले या गहरे रंग की वस्तुएं चीनी मिट्टी या कांच के बर्तन या एल्यूमिनियम या लोहे की वस्तुओं की खरीदारी से आपको बचना चाहिए। अगर आप वस्तु दोष से निजात पाना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन कलश अपने घर में खरीद करके अवश्य लाएं। चाहे पीतल का कलश हो, तांबे का कलश हो, चांदी का कलश हो या सोने का कलश हो, आपके पास जैसा सामर्थ्य है वैसा कलश आप जरूर खरीद करके लाएं। यदि कुछ और कलश आप नहीं खरीद पाते हैं तो मिट्टी का कलश भी यदि आप धनतेरस के दिन अपने घर में खरीद करके लाएंगे तो आपके घर में समृद्धि आएगी। इसे घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें। आप चाहे तो छोटा कलश तिजोरी में भी रख सकते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन नमक की खरीदारी अवश्य करें। इस उपाय को करने से आपकी आमदनी बढ़ेगी, साथ ही धन संबंधी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही सौभाग्यदायक माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को माता महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू खरीद करके झाड़ू की पूजा अर्चना इस दिन अवश्य करनी चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी जो कोई भी करता है उसके दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है तथा उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है, हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है और धन की देवी माता महालक्ष्मी की सदैव कृपा बरसती रहती है। अगर आप आय और सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद करके जरूर लाएं। ऐसा करने से आर्थिक समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। सनातन धर्म में धनतेरस के दिन धनिया खरीदने का विशेष विधान है। किसी भी किसान से यदि आप धनिया खरीदेंगे या धान खरीदेंगे या फिर चावल खरीदेंगे या गेहूं खरीदेंगे या मूंग खरीदेंगे, उड़द खरीदेंगे या अन्य जो भी नई फसल आती है उसको यदि आप किसी भी किसान से खरीदेंगे, कृषक से खरीदेंगे तो निश्चय ही आपके घर में अपार समृद्धि आएगी। कुछ और यदि संभव नहीं है तो धनतेरस के दिन धनिया आपको अवश्य खरीदना चाहिए। हरा धनिया, सूखा धनिया, कुछ भी धनिया खरीद करके अवश्य लाएं। पूजा के समय धन की देवी मां लक्ष्मी को धनिया अर्पण करें। इस उपाय को करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। जो कोई मनुष्य धनतेरस का पूजन अर्चन करता है उसके घर में अष्ट लक्ष्मी का निवास होता है और दसों दिशाओं से माता महालक्ष्मी का उसके घर में आगमन होता है तथा कभी भी उसके घर में आर्थिक समस्याएं नहीं आती है, क्योंकि माता महालक्ष्मी स्वयं धनतेरस के दिन पृथ्वी पर भ्रमण करने आती है और भक्तों को मन चाहा फल प्रदान करती है। तो यदि आप स्थिर लग्न में पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो कुंभ स्थिर लग्न जो कि दोपहर 1:58 से आरंभ होकर के 3:31 तक रहेगी और वृषभ स्थिर लग्न जो कि प्रदोष काल के समय शाम को 5:47 से रात को 8:40 तक रहेगी तथा चौघड़िया अनुसार शाम को 7:30 से 9 तक लाभ का चौघड़िया रहेगा और रात्रि 10:30 से 12 तक शुभ का चौघड़िया रहेगा। सिंह स्थिर लग्न जो कि मध्य रात्रि 1:10 से लेकर के रात को 3:23 तक रहेगी। धनतेरस के दिन इन 13 चीजों को यदि आप खरीदेंगे तो आपका भाग्य 21,000 गुना अधिक प्रबल होगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। इस कारण धनतेरस को श्रेष्ठ मुहूर्त अबूझ मुहूर्त के रूप में माना गया है। इस दिन जो भी शुभ कार्य या खरीदारी की जाए वह अमृत के समान अमर व स्थायी रहती है। धनतेरस के दिन इस बार प्रदोष का महापर्व है, मंगलवार का दिन है तो भौम प्रदोष का इसे रूप माना जाएगा और मंगलवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि आती है तो ऐसे में जो मनुष्य माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करता है, भगवान कुबेर का पूजन अर्चन करता है, उसे कर्ज से मुक्ति प्राप्त हो जाती है।
और खरीद फरोख्त के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही समृद्धि कारक माना गया है। प्रदोष काल में की गई खरीदारी एवं पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है, क्योंकि धन के देवता कुबेर भगवान का जो प्रागट्य है, यानी बाबा भोलेनाथ ने धनाध्यक्ष यानी कुबेर को जो धनाधिपति का वरदान दिया है, वो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के शाम के समय प्रदोष के समय ही दिया गया है। शास्त्रों में प्रदोष व्यापिनी धनतेरस का विशेष महत्व है, और इस दिन तो प्रदोष का महापर्व है जो कि इस पर्व को अधिक शुभता प्रदान करेगा। धनतेरस पर शाम के समय माता महालक्ष्मी और कुबेर की पूजा करना, यमराज के निमित्त दीप दान करना बहुत ही शुभ रहेगा। पूरा दिन खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ है। इस दिन चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी के बर्तन आप खरीदारी करें। चांदी के सिक्के, चांदी के गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं की खरीदारी करना विशेष शुभ माना जाता है। धनतेरस पर बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना गया है। कलश को बर्तन का प्रतीक माना गया है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और कुबेर का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। धनतेरस के दिन स्थाई लक्ष्मी के लिए, अखंड लक्ष्मी के लिए आपको रात के समय श्री सूक्त का पाठ स्वयं करना चाहिए या ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवाना चाहिए। यदि आप चाहें तो कनक धारा स्तोत्रम का भी पाठ आपको धनतेरस के दिन करना चाहिए, और पूरी रात्रि अखंड ज्योति भी आप जला सकते हैं। वैसे तो जो यमराज के लिए दीप दान किया जाता है, वह भी आप चाहें तो पूरी रात अखंड दीपक जला सकते हैं। इस दीपक में कुछ पैसा और कोड़ी भी डालने का विधान है। साथ ही इस दिन नए उपहार, सिक्का खरीदना, बर्तन खरीदना, गहनों की खरीदारी करना विशेष शुभ माना गया है। शुभ मुहूर्त समय में पूजन करने से आपके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। सप्तधान्य की पूजा भी इस दिन करना चाहिए। सात प्रकार के जो अनाज होते हैं, जिनमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जो, चावल और मसूर, सात धान्यों के साथ साथ पूजन सामग्री में विशेष रूप से स्वर्ण पुष्पा के पुष्प से भगवती पराम्बा लक्ष्मी जी का पूजन करना विशेष शुभकारी माना जाता है। धनतेरस के दिन पूजा में जो नैवेद्यम लगाया जाता है, वह दूध की मिठाई, सफेद प्रकार की मिठाई का विशेष प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस दिन स्थिर लक्ष्मी का पूजन करने का विशेष महत्व है। धन त्रयोदशी के दिन देव धन्वंतरी का प्रागट्य हुआ है। धन्वंतरी देव देवताओं के, चिकित्सकों के देवता हैं। यही कारण है कि इस दिन चिकित्सा जगत में बड़ी बड़ी योजनाओं का प्रारंभ होता है। इस दिन यमराज और भगवान धन्वंतरी के साथ साथ माता महालक्ष्मी और कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। जो कोई मनुष्य धनतेरस की रात में यदि अपने घर में शांत भाव से, प्रसन्न भाव से माता महालक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का यदि 11,000 बार जाप कर लेता है, तो उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का आगमन होता है। धनतेरस से ही दीपावली पर्व की शुरुआत मानी जाती है, और इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं खरीदना काफी शुभ माना गया है। धनतेरस एक धन लगा करके 13 गुना धन पाने का त्योहार है, इसलिए अमीर गरीब हर व्यक्ति इस दिन कुछ न कुछ अवश्य ही खरीदता है। इन 13 वस्तुओं की जो खरीदारी करता है, उसका भाग्य 21,000 गुना बढ़ने लगता है। सबसे पहली वस्तु है, धनतेरस के दिन गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति अवश्य खरीदे। इससे घर में धन संपत्ति का आगमन होता है और पूरे साल कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। दूसरी वस्तु, धातु का सामान जैसे सोना, चांदी और पीतल खरीदना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा करने से पूरे साल घर में माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तीसरी वस्तु, स्फटिक या तांबे या अष्ट धातु का श्री यंत्र, 8 प्रकार की धातु का जो श्री यंत्र बाजार में मिलता है, उसको भी आप अपने घर में ला सकते हैं। इससे लक्ष्मी जी का आकर्षण होगा और इस यंत्र की पूजा करें। पूजा करने के बाद उसे केसरिया रंग के कपड़े में बांध करके धन स्थान पर आपको रखना चाहिए। इससे माता महालक्ष्मी और भगवान की कुबेर की कृपा हमेशा बनी रहेगी। धनतेरस पर नई झाड़ू घर में लाना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियां घर से वापस जाती है
और घर में अष्ट लक्ष्मी का आगमन होता है। पांचवी वस्तु है कोड़ी। कोड़ी को धनतेरस के दिन घर में ला करके पूजा घर में रख करके पूजा अर्चना करने से स्थाई लक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी। धनतेरस के दिन शंख अवश्य खरीदना चाहिए। माता महालक्ष्मी का भाई शंख माना गया है। इसे धनतेरस के दिन पूजा अर्चना करने के बाद रात्रि के समय बजाना चाहिए और दिवाली की रात में भी इसी शंख को बजाना चाहिए। इससे आपके घर में सभी प्रकार से सभी दिशाओं से अष्ट लक्ष्मी का दसों दिशाओं से आगमन होगा। धनतेरस के दिन नमक का काफी महत्व है। इस दिन नमक को घर अवश्य लाना चाहिए और पानी में मिला करके पोछा लगाने से घर की दरिद्रता यानी गरीबी समाप्त हो जाती है। धनतेरस के दिन धनिया अवश्य लाएं। एक धन का प्रतीक इसे माना जाता है। इसकी पूजा करके घर के आंगन या गमलों में इसको रोपित कर देना चाहिए। यानी सूखा धनिया ला करके उसे माता महालक्ष्मी को अर्पण करें और अगले दिन गमले में बो देना चाहिए। धनतेरस के दिन कुबेर भगवान की मूर्ति या तस्वीर ला करके इनकी पूजा करें और धन वाले स्थान पर रखना चाहिए। धनतेरस के दिन गोमती चक्र का विशेष महत्व है। इस दिन इनकी पूजा करके तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। धनतेरस के दिन सात मुखी रुद्राक्ष की पूजा करने से मां लक्ष्मी के साथ साथ बाबा भोलेनाथ महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। धनतेरस के दिन दीपक खरीद करके अवश्य लाना चाहिए। साल का यही एक ऐसा दिन है जिस दिन दीपक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन जो दीपक लाए जाते हैं उनका उपयोग आप माता महालक्ष्मी के पूजन अर्चन में करें, दीपावली की पूजा में करें और प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित आपको करना चाहिए। तथा साल का एक ऐसा दिन है जिस दिन यमराज की पूजा की जाती है, यमराज के निमित्त दीप दान किया जाता है, वह धनतेरस का ही दिन है। इस दिन लक्ष्मी जी के साथ साथ यमराज के नाम का भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन आप दीपक खरीद करके अवश्य लाएं। धनतेरस के दिन कमल गट्टे कमल बीज खरीदने से साक्षात महालक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। और धनतेरस के दिन यदि आप अपने घर में मखाने लेकर के आते हैं और मखाने की खीर माता महालक्ष्मी को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में यदि आप वितरण करेंगे तो आपके घर में समृद्धि आएगी। यदि आप चाहें तो नमकीन मखाने या मीठे मखाने तैयार करके माता महालक्ष्मी को भोग लगा करके परिवार में प्रसाद अवश्य वितरण कर सकते हैं। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी की अपार कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी और आप सभी सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। अब हम आप सभी को धनतेरस की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य तो इस दिन हुआ ही हुआ है, इसके अलावा माता महालक्ष्मी का भी विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा एक दूसरी कथा भी धनतेरस के विषय में प्रचलित है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे, तब माता महालक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात तुमसे कहूं तुम मेरी आज्ञा का पालन करो तो मेरे साथ चल सकती हो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात को मान गई और भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर भूमंडल पर विचरण करने के लिए आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंच करके भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहां ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल उत्पन्न हो गया कि आखिर मेरे स्वामी मेरे नारायण दक्षिण दिशा में क्यों गए हैं, इसका क्या रहस्य है और मुझे दक्षिण दिशा में आने से उन्होंने क्यों मना किया है और भगवान स्वयं क्यों चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देख करके माता महालक्ष्मी मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़ करके अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी।
आगे जाने पर एक गन्ने का खेत माता महालक्ष्मी को दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने उस खेत से गन्ने तोड़े और गन्ने तोड़ करके उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान नारायण विष्णु जी वहां पर आ गए और उन्होंने देख लिया। देख करके लक्ष्मी जी के ऊपर नाराज हो गए। नाराज होकर के उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध की सजा के रूप में इस किसान की 12 साल तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें पृथ्वी लोक पर छोड़ करके स्वयं अपने धाम को क्षीर सागर को चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रह करके उसकी सेवा करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर भोजन तैयार करना, फिर रसोई बनाना, उसके बाद तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। बड़े भाव के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के घर दूसरे दिन से ही अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि की बरसात होने लगी, यानी अपार वैभव उसके घर में आ गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 साल बड़े आनंद से व्यतीत हो रहे थे। फिर 12 साल व्यतीत हो जाने के बाद लक्ष्मी जी पुनः नारायण के साथ जाने के लिए तैयार हुई। भगवान नारायण क्षीर सागर से माता महालक्ष्मी जी को लेने के लिए किसान के घर पर आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं ठहरती नहीं है, इनको बड़े बड़े व्यक्ति या अमीर सेठ भी नहीं रोक पाते हैं, इनको धनाधिपति भी नहीं रोक पाते हैं, इनका नाम चंचला है, ये कभी भी स्थिर नहीं रहती है, आज किसी और की है, कल किसी और की हो जाएगी, लेकिन इनको मेरा श्राप था इसलिए 12 साल तक तुम्हारी सेवा कर रही थी और तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का अब समय पूर्ण हो चुका है। किसान जिद करने लगा, नहीं, मैं माता महालक्ष्मी को अपने घर से नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जिसे तेरस के रूप में माना जाता है। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत करके स्वच्छ रखना, रात्रि में शुद्ध घी का दीपक जला करके रखना और सायंकाल मेरा पूजन अर्चन करना और एक तांबे के कलश में कुछ रुपये भर करके मेरे लिए रख देना। मैं उस कलश में स्थाई रूप से निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर